सो गाइज, आप सबों के लिए प्रेजेंट है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की तरफ से सबसे ज्यादा बिकने वाला और आप सबों का फेवरेट गाड़ी, जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, हीरो स्प्लेंडर प्लस का, आपका ब्लैक और ग्रे कलर। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इसका आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, इस गाड़ी से आप टॉप स्पीड कितना गेन कर सकते हैं और साथ साथ इस गाड़ी में आपको कितना का माइलेज देखने को मिल जाएगा और क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट के साथ शुरुआत किया जाए, तो यहाँ से इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन देख पाएंगे, जो कि आपको कितना ही ज्यादा सिंपल एंड सोवर लुक में देखने को मिलता है। इस जगह पे आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस का आपको स्टिकर मिल जाएगा। ये आप पार्ट देखेंगे जो कि आपको टोटली ग्लॉसी कलर में दिया गया है। साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर के स्टिकर मिलेंगे, जो कि आपको हल्का डीप में और हल्का लाइट कलर में देखने को मिलता है। और जो इंडिकेटर्स इसमें मिलेगा, जो कि आपको फुल्ली हैलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेंगे। ऊपर में आपको येलो कलर का आपको यहाँ पे ग्लास यूज किया गया है। नीचे में देखें तो आपको यहाँ पे फुल्ली हैलोजन बल्ब के साथ आपको लाइट सेटअप मिल जाता है। ये गाड़ी धनतेरस में बुक हो चुका है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टिकर लगाया गया शोरूम की तरफ से। नंबर प्लेट लगाने का आपको यहाँ पे जगह दिया गया। टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे, आपको उतना खासा मोटा नहीं देखने को मिलता है, बट कम्यूटेटर सेगमेंट के हिसाब से अच्छा खासा मोटा देखने को मिलेगा। मडगार्ड देखें जो कि आपको टोटली फाइबर में ही देखने को मिलेंगे, ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज किया गया है। नीचे में देखें तो यहाँ पे आपको आईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे जब भी गाड़ी का अगला ब्रेक को दबाएंगे उस वक्त जो पिछला वाला ब्रेक है वो भी आपको ऑटोमेटिक दब जाता है, जिससे जो चक्का है वो आपका स्किड ना करे। टायर की ओर देखा जाए तो इस गाड़ी में आपको टायर साइज देख सकते हैं, जो कि आपको 80/100 सेक्शन का दिया गया है, जहां कि आपको 18 इंचेस का आपको एलॉय व्हील यूज किया गया है। और इसका आप कलर देख सकते हैं, जो कि आपको टोटली ग्रे कलर में ही देखने को मिलेंगे। ये आपको जेके कंपनी की तरफ से इसमें आपको टायर यूज किया गया है। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे। यहाँ पे देखे तो आपको रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। और जब गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की ओर देखेंगे तो यहाँ से इस गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं, साइड से भी आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल देखने को मिलता है। इसमें आपको 9.8 लीटर का टैंक कैपेसिटी दिया गया है, जो कि आपको टोटली मेटल में ही दिया गया है। और ये जो गाड़ी ये भी आपको E20 को ही सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पे आप इसका स्टिकर देखेंगे, जहाँ की आपको हीरो को मेंशन किया गया, लोगो के साथ आपको स्टिकर ही मिलेंगे। क्रोम का इसमें आप पार्ट यूज नहीं किया गया। और ये आप लाइनिंग देख सकते हैं, जो कि आपको ग्रे कलर लाइट और डीप ग्रे में देखने को मिलेगा। कितना ही ज्यादा आपको अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सीट की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में सीट नहीं देखने को मिलता है, सिंगल पीस सीट दिया गया है, जिससे 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं और फैमिली को भी बैठाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और सीट के अंदर जो रुई मिलता है, जो कुशन दिया गया है, ये भी आप चेक करेंगे, अच्छा खासा मिलता है। इसे इस गाड़ी पे बैठ के लॉन्ग टर्म में यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ से आप इसका ग्रैब हैंडल से देखेंगे, जो कि आपको टोटली क्रोम के साथ दिया गया है। साथ साथ आपको यहाँ पे कैरियर भी दिया गया, जहाँ की आप अपने कुछ सामान को भी बांध सकेंगे। इसी के जस्ट नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सारी कार का ऑप्शन पहले से ही मिल जाता है, साथ साथ आपको लेडीज फुटेज भी आपको पहले से ही दिए गए हैं, आपको बाहर से लगवाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो चेन मिलता है, जो कि आपको टोटली कवर मिलते हैं, ताकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसे कम किया जा सके। साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलता है, और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी फीचर्स दे दिया गया है। और इसमें देखे टोटल 4 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। इंजन की ओर देखें तो इसका जो कलर है हल्का सा डीप ग्रे कलर में दिया गया है। और अगर इंजन के बारे में बात किया जाए तो इस गाड़ी में इंजन आपको 97.2 सीसी का यूज किया गया है। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ट्यूब हेल्प के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपको एयर कूलिंग को ही सपोर्ट करने वाली है। इस गाड़ी से माइलेज अप्रोक्स आप 65 से 70 किलोमीटर पर लीटर का भी आप माइलेज आराम से निकाल पाएंगे। और इसका जो टॉप स्पीड है, जो कि आपको लगभग 90 से 100 किलोमीटर पर आवर का इसमें आपको टॉप स्पीड भी मिल जाएगा। इस गाड़ी के इंजन से आपको 7.91 पीएस का पावर और 8.05 न्यूटन मीटर का एक गाड़ी आपको टॉर्क भी जनरेट करने वाली है। और साइड पैनल पे आपको मैंने एक चीज बताना भूल गया, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, 3D क्रोम के साथ आपको स्प्लेंडर प्लस को भी मेंशन किया गया है। इसके रियर सेक्शन की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको टेल लाइट देखने को मिलेगा, लाइट आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इस जगह पे आपको नंबर प्लेट लग जाएगा, ये आपको रिफ्लेक्टर दिया गया, और ये मडगार्ड देखेंगे जो कि आपको टोटली फाइबर के साथ ही मिलेगा। यहाँ पे देखें तो रियर टायर ये भी आपको 80/100 सेक्शन के मिलेंगे, सेम टायर साइज आपको फ्रंट के जैसा ही देखने को मिलेगा। 130 mm का आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक दिया गया, और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का आपको यहाँ पे सस्पेंशन भी दिए गए, जो कि ऊपर में आपको यहाँ पे ग्लॉसी कलर का आपको कवर भी मिल जाता है। यहाँ पे आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, और ऊपर में आपको यहाँ पे क्रोम के भी पार्ट यूज किए गए। इस तरफ देखें तो एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये आप देखें जो कि आपको ब्रेक पेडल्स दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोटेक्शन भी मिलता है, ताकि आपका जो पैर है वो आपको यहाँ से टच ना हो और आपके हीट से प्रोटेक्ट रह सके। यहाँ पे देखें इस बॉक्स में तो इसके अंदर आप कुछ सामान रख पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया है, और यहाँ से आप इसका मीटर कंसोल को चेकआउट कर पाएंगे।
फुल्ली एनालॉग में आपको यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया है। इधर आप देखें जो कि आपको स्पीडो मीटर शो करने वाला है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का आपको इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट एंड राइट टर्न्स का इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप कितना किलोमीटर चले हैं वो आपको बताने वाली है, न्यूट्रल इंडिकेशन, इंजन मॉल फंक्शन, और इधर आपको लो बीम और आपको हाई बीम दिखाने वाली है, और आपका फ्यूल कितना ज्यादा बचा है वो आपको यहाँ पे शो कर रही है। और इस तरफ आप एक चीज देखेंगे जो कि अभी इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां से कि ऑफकोर्स आप अपने मोबाइल को चलते वक्त भी चार्ज कर सकते हैं। दो की आपको कंपनी की तरफ से ही मिलता है, जो कि आप देखिए बहुत ही ज्यादा बेसिक सा की दिया गया है। यहाँ पे आपको हीरो को भी मेंशन किया गया है। सिंगल पीस आपको यहाँ पे हैंडल बार देखने को मिलता है, जो कि आपको क्रोम के साथ देखने को मिलेगा। स्विचेस की ओर देखा जाए तो आपको लेफ्ट टर्न राइट टर्न का स्विच, आपका ऑन का स्विच, सिंगल हॉर्न मिलेंगे, लो बीम और आपको हाई बीम। क्लच देखे जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट रखा गया है, उंगली में आपको कहीं भी दर्द नहीं होने वाला है। मिरर देखे जिससे रियर व्यू भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। इस साइड से देखें तो इसमें आपको i3s का स्विच नहीं मिलता है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो वहां पे आपको i3s का टेक्नोलॉजी मिल जाएगा और यहाँ पे इसे स्टार्ट कर पाएंगे। इसे मैं सेल्फ स्टार्ट करता हूँ और इसका मैं सबसे पहले साउंड को ही आपको चेकआउट कराता हूँ। तो अभी का जस्ट आपने इस गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड को सुना, ऑफकोर्स आपको इंजन में अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी का जो वजन है जो कि आपको मात्र 112 केजी का ही रखा गया है, जिससे कोई भी आदमी इस गाड़ी को आराम से चला सकता है, किसी भी आदमी को चलाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 785 mm का रखा गया है, जिससे जो शॉर्ट राइडर है वो भी इस गाड़ी को आराम से चला पाएंगे। दोनों साइड जो आपका पैर है बहुत ही ज्यादा इजिली अटने वाला है। और इस गाड़ी का जो अभी का आपको ऑन रोड प्राइस रखा गया है जो कि आपको मात्र 91,000 रुपीज रखा गया है, इसमें आपको एक 01 एडिशन भी आता है, उसका प्राइस आपको 93,000 रुपीज रखा गया है। और इसमें जो आपको एक्सटेक मॉडल आता है जिसका की प्राइस आपको 95,000 रुपीज देखने को मिलेगा। वो सभी बाइक का आपको डिटेल रिव्यू आप हमारे ही चैनल पे जाके देख पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।